आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित भंवरलाल शर्मा के विरोध जांच का विरोध, ब्राह्मण महासभा के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सावन मास के महीने में शिवजी के अभिषेक के कार्यक्रमों का दौर जारी, जिसके तहत विजयनगर की पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने भोलेनाथ का अभिषेक किया। कोटा में निजी एम्बुलेंस संचालकों ने हड़ताल की और जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। इस दौरान एम्बुलेंस संचालकों ने नारेबाजी की और रैली भी निकाली। अजमेर के विजयनगर में एक साथ दो और कोरोना पॉजिटिव मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर प्रशासन ने इलाके में सैनिटाइजेशन करवाया। अजमेर के ब्यावर में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में कांग्रेस द्वारा फर्जी ऑडियो जारी किया गया और बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया गया। बूंदी में लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। तो वहीं बूंदी की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में सफाई कर्मी महिला के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। अजमेर के ब्यावर में चिकित्सा विभाग रैंडम सैंपलिंग और सर्वे की गति तेज कर दी है और इसी के तहत अमृतकोर चिकित्सालय की कोविड 19 की टीम ने कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की रैंडम सैंपलिंग की। विजयनगर के बाड़ी माता धाम पर हरियाली अमावस पर लोगों ने कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना की। धाम पर वैश्विक महामारी के चलते लोगों ने कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना करने के दौरान सामाजिक दूरी की पालना की। जोधपुर में विभिन्न समस्याओं को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका प्रशासन ने पौधारोपण का आयोजन शुरू किया है। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के जेईएन सुरेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य है और इसके तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 400 पौधे लगाए जा चुके हैं। झालावाड़ के बिड़ावा कस्बे में पुलिस ने वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की और इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट एंड मास्क न लगाने वाले 13 वाहन चालकों के चालान काटे गए और उनसे 4,800 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और टैंकर से तेल चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीकर जिला मुख्यालय से सैनी धर्मशाला में फुले ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में यज्ञ का आयोजन किया। फागी के माधोराजपुरा क्षेत्र के गांव में फिर से टिड्डी दल पहुंचने से हड़कंप मच गया। किसानों की फसलें बारिश के अभाव में जलने की कगार पर पहुंच गई, तो वहीं टिड्डी दल के वापस लौटने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। लारदू में लंबे समय से चल रही बरसाती पानी की समस्या, तो वहीं समस्या से निजात पाने के लिए नगर पालिका ने स्थानीय खंडेला की खुदाई शुरू कर दी। इसके बाद मोटर पंप और जनरेटर लगाकर पानी के भराव को शहर से बाहर किया जा सकेगा। धौलपुर जिले के दहेरी गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मनिया थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सीकर जिला मुख्यालय पर बिजली के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाट बाजार में प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से एक रैली भी निकाली, जिसमें नारेबाजी करते हुए किसानों ने अपनी मांगों पर सरकार से जल्द फैसला लिए जाने की अपील की। जोधपुर के झवर क्षेत्र में बस और कार की भिड़ंत की वजह से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक जोधपुर से बालोतरा जा रही बस का टायर अचानक फट गया, जिसके चलते बस सामने से आ रही कार से भिड़ गई और इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। चूरू के डीबी हॉस्पिटल से गायब हुआ 4 दिन का नवजात 12 घंटे बाद मिल गया है। बच्चा गायब होने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें आशा सहयोगिनी बच्चे को ले जाती नजर आई। प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है, मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बरेली से कोई भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में स्थान नहीं बना पाया, तो वहीं इसी को लेकर बरेली सीबीगंज स्थित खुसरो पीजी कॉलेज में खलीफा क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
यूपी के मथुरा ब्रिज चिकित्सा संस्थान में बीएससी नर्सिंग के छात्रों की मांगों को लेकर धरना हुआ, जिसमें एनएसयूआई और आप कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्त्री ने ब्रिज चिकित्सा संस्थान के प्रबंधक को चप्पलों से पीटा और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ एसएचओ विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या से जुड़े मामले में सीबीआई की टीम विधायक कृष्णा पुनिया के जयपुर स्थित आवास पर पहुंची और विधायक से मामले को लेकर पूछताछ की। वहीं इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से भी पूछताछ की गई। इडावा कस्बे में चोरों ने एक ही रात में चार अलग अलग स्थानों पर हाथ साफ कर दिया, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सिरोही के मंडार कस्बे वासियों ने जालौर के पांडेरी गांव में युवती के साथ गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या मामले में आक्रोश जताया। कस्बे वासियों ने घटना को शर्मसार बताते हुए कानून में बदलाव की मांग की। वहीं कस्बे वासियों ने सीएम के नाम मंडार उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई। उदयपुर एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने 1,11,000 की रिश्वत लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों से बांसवाड़ा एसीबी कार्यालय में पूछताछ जारी है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित करवाने की यूजीसी की गाइडलाइन का एनएसयूआई द्वारा विरोध किया जा रहा है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने हाईवे पर सांकेतिक रूप से जाम लगाकर विरोध जताया। ईटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। वंचित अभ्यर्थी परीक्षा के लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज की तरफ से बीएड में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 24 जुलाई तक का अंतिम अवसर दिया गया। कोटा में मोखापाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश पांडे के नेतृत्व में टीम ने घायल कबूतर के टूटे हुए पंखों में रोड डालकर उड़ने की काबिल उसको बना दिया है। वहीं सफल ऑपरेशन के बाद घायल परिंदे फिर से उड़ान भर सकेंगे। मेड़ता क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। मेड़ता ब्लॉक में 3 अधिवक्ता सहित 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों को अग्रवाल कॉलेज के कोविड केयर सेंटर में भेजा गया। मेड़ता ब्लॉक में 347 लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें 15 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली और बीजेपी के पदाधिकारी सोमवार शाम जालौर के सायला पहुंचे, जहां पांथेड़ी प्रकरण मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मृतका के पिता से मोबाइल पर बातचीत की। चूरू में राजकीय डीबी अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल वार्ड से गायब हुए नवजात को पुलिस ने खोज निकाला है। 4 दिन का नवजात गायब हो गया था और सीसीटीवी फुटेज के बाद बच्चे को खोज निकाला गया। पोस्ट मशीन पर वार्षिक कटौती राशि वसूलने को लेकर नागौर में राशन डीलर्स ने विरोध जताया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने 4G तकनीक को सपोर्ट करने वाली मशीन की मांग की और इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने की बात कही। बांसवाड़ा में पन्नालाल हत्याकांड के विरोध में लोग गांधी मूर्ति इलाके में इकट्ठे हुए। यहां लोगों ने सभी बाजार बंद करवाए। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री भवानी जोशी के नेतृत्व में बांसवाड़ा बंद का आह्वान किया गया। दौसा जिले के मंडावरी थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 52,900 रुपए और बोलेरो गाड़ी भी जब्त की। एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देश पर एसएचओ भरत लाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ के संग्रिया थाना इलाके में बैंक में हुई लूट के मामले में पुलिस ने सादुलशहर इलाके की केआरडब्ल्यू ढाणियों में छापेमारी की और एक युवक को पूछताछ के लिए राउंडअप भी किया। इससे मामले के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। नागौर के रियाबड़ी के विद्युत कार्यालय में कार्मिक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया गया। ऐसे में बिल जमा करवाने पहुंचे उपभोक्ताओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशान उपभोक्ता इधर से उधर भटकते नजर आए। जोधपुर में बिजली व्यवस्था बाधित नहीं हो, इसके लिए डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंह भी लगातार कोशिशों में जुटे रहते हैं। इसके चलते कोरोना काल में भी लोगों को बिजली बंद की समस्या नहीं आई। वहीं अब भी विद्युत विभाग आमजन को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने की कोशिश में जुटा। कोटा के नयापुरा में चंबल नदी में युवक का शव मिला है। इस पर गोताखोरों ने नदी से शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी। पिडावा के धरोनिया में खेत पर विद्युत मोटर चालू करने के दौरान किसान को करंट लग गया, जिससे किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान कृषि कार्य के लिए खेत पर गया था, जहां किसान से हादसा हो गया। अजमेर के पिसांगन में उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी ने दुकानदारों की बैठक ली। उपखंड अधिकारी ने पिसांगन में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने पर दुकानदारों के साथ बैठक की।
इस दौरान सभी दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही संबंधित प्रभावित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी के आदेश भी जारी किए गए। नागौर के डिगाना गांव में ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहां ग्रामीण पेड़ पौधों की उचित देखभाल कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इडावा में एसडीएम श्रवण सिंह राजावत के स्थानांतरण पर उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साफा बांधकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। जोधपुर के झमर थाना इलाके में बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं घायलों को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। भरतपुर के मथुरा रोड पर ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। घटना तुहिया सोगर गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि जो की बोरियों से भरा ट्रक दोसा से सादाबाद जा रहा था और रास्ते में हादसा हो गया। झालावाड़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने चोरों के चोरी की 8 बाइक और 2 अवैध हथियार बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के सरदारपुरा फोर्थ ए रोड से पुरानी कोहिनूर की तरफ जाने वाली सड़क सीवरेज के गंदे पानी से भरी हुई थी, तो वहीं अवैध रूप से कई फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी भी वहां पहुंच रहा था, जिसके चलते 4 से ज्यादा लोग डेंगू और मलेरिया के शिकार हो गए, तो वहीं आवागमन में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नामांकन वृद्धि के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि 30 सितंबर से घर घर सहजन अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जी किन्नरों की उगाही से परेशान असली किन्नरों ने नागौर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फर्जी किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राजसमंद जिले के अमेट उपखंड के भोलीखेड़ा गांव में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर, चित्तौड़, राजमी सहित विभिन्न स्थानों की टीमों ने हिस्सा लिया और इस दौरान कोरोना को लेकर जारी की गई सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई। नागौर के मेड़ता में दशनाम गोस्वामी समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने समाधि स्थल पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मवीर अब निराश होते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा वेतन कटौती करने पर पुलिसकर्मी निराश होते दिखाई दिए। इसी क्रम में नागौर के रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरा वेतन दिलाने की मांग की गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में स्थित धुंधेश्वर धाम में एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने गया था, जहां नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई। सुमेरपुर में पुलिस ने फैक्ट्री में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। अजमेर में अलवरगेट थाना क्षेत्र के धोलाघाटा इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मानसिक अवसाद के चलते युवक ने फांसी लगा दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल को आपराधिक मामले में अनुसंधान अधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 4 सप्ताह तक दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण में जिले के 49 कांस्टेबल हिस्सा ले रहे हैं। डूंगरपुर में अब रात रानी की खुशबू से महकेगा, इसके लिए नगर परिषद ने एक्शन प्लान तैयार किया है, साथ ही इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। सभापति के गुप्ता ने कलेक्ट्री रोड के डिवाइडर पर रात रानी का पौधा लगाकर इस नवाचार की शुरुआत की। सवाईमाधोपुर में बोली के बागडोली से बहनोली तक सड़क गड्ढों में तब्दील होती नजर आई, जिसके चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार थमती दिखाई दी, तो वहीं ये खराब सड़क राहगीरों की परेशानी बढ़ा रही है। कोरोना महामारी में राजसमंद के अमेट में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। यहां नासा सेंटर में व्यवसायी 2 भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन 4 घंटे बाद भी प्रशासन सतर्क होता नजर नहीं आया। झालावाड़ में श्री बल्प पित्ती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ने स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। फैक्ट्री में आयोजित शिविर में रक्तदाता वर्कर्स ने रक्तदान किया। शिविर में 127 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अजमेर के गेगेल थाना क्षेत्र में विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और मोर्चर में रखवा दिया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोटा के नयापुरा में चंबल नदी से युवक का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। वहीं अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है।
नागौर के मेड़ता में हर महीने आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया और इसी कड़ी में वार्ड संख्या 4 में आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण हुआ, जहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीके लगाए गए। साथ ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली पोषाहार दाल और गेहूं का भी वितरण किया गया। मेड़ता सिटी के कोर्ट परिसर के पास एपीपी सहित अधिवक्ताओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान 51 छायादार पौधे लगाए गए, जिसके बाद सभी ने एकजुट होकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। लाड़दू के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आलोक घिंटाला और सामाजिक कार्यकर्ता दीक्षांत हिंदुस्तानी ने पौधा भेंट किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डीडवाना के बागड़ अस्पताल की मुहिम परवान चढ़ रही है। शहर के युवा अब अपने जन्मदिन पर पार्टी करने के बजाय रक्तदान करने को तवज्जो दे रहे हैं, जिसके चलते दीन दरवाजा निवासी यश बगड़िया ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने दोस्तों के साथ रक्तदान किया। सिरोही के भटाना गांव में हरियाली अमावस्या मनाई गई और इस मौके पर समाजसेवी पर्वत सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर 200 किलो का सूरमा बनाकर कुत्तों को खिलाया है, तो वहीं गाय को हरा चारा भी खिलाया गया। झालावाड़ के पिडावा स्थित सब्जी मंडी में इन दिनों कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां अधिकांश लोगों ने मास्क लगाना ही बंद कर दिया है। भीलवाड़ा के नागौरी गार्डन क्षेत्र में मोबाइल शॉप मालिक कोरोना पॉजिटिव निकला। इस पर प्रशासन ने मार्केट का आधा हिस्सा बंद करवा दिया और इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। गंदगी के कारण मोहल्लेवासी परेशान हैं। नागौर की ग्राम पंचायत खेमसर के वार्ड नंबर 8 में मोहल्लेवासी गंदगी से परेशान है और वार्ड के आथुना मोहल्ले की फैली गंदगी से लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बारां के माथनी गांव के पास स्थित एक निजी फार्म हाउस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 युवती, 9 युवक और 2 दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस मामला मुकदमा दर्ज कर युवक और युवतियों से पूछताछ कर रही है। मॉनसून की बेरुखी के चलते अब शहर में जल संकट भी गहराने लगा है और इसी को लेकर पीएचडी के अधिकारियों ने बताया कि 24 जुलाई को पानी की सप्लाई होने वाले क्षेत्रों में 25 जुलाई को पानी की सप्लाई होगी, वहीं 25 जुलाई को पानी की सप्लाई होने वाले इलाकों में 26 जुलाई को पानी की सप्लाई की जाएगी। आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाईकोर्ट से पायलट गुट को मिली फौरी राहत, सियासी उठापटक कर 24 जुलाई को आएगा फैसला, 24 तक स्पीकर नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। होटल फेयरमाउंट में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बैठक में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा चट्टान की तरह खड़ी रही, विजयी आपकी होगी। राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश, इसी वजह से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई। प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल गांधी के अंदाज में हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई, जिनमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार दवे जाटों और पंजाबियों को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिप्लव कुमार दवे ने दोनों समुदायों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो वो क्षमा प्रार्थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी ने पिछली रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है, जहां उन्हें कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया।